अंतिम दिन कोनो कथा छै तऽ सब सुधरिए जेतै। बमबम साहब की पुत्री पूजा कुमारी जिन्होंने भागवत भगवान के श्री चरणों में 51 रुपया समर्पण किया है, कल्याण हो, सुखी संपन्न हो। आज घमासान युद्ध होता है, जरा संत ने कहा कि सुनो, अरे कृष्ण तुम तो कायर हो, डरपोक हो, तेरे साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन ये भी दुबले पतले हैं, अयम तो वयसा तुल्य हो ना कि सको नमे सम अर्जुनो नो भवे योद्धा भीमस्तुल्यो बलो ममः। ताकि अर्जुन तो दुबले पतले हैं, भीमसेन मेरे जैसा मोटा तगड़ा है, इसलिए मैं भीमसेन के साथ ही युद्ध करूंगा। अब युद्ध होने लगा, सज्जनो दिन भर युद्ध करते थे, युद्ध करते करते अब भीम गिन गिन करके है गदा मारते थे जरासंध की पीठ पर, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और जब जरासंध मारते थे तो भीम की सारी नसें ढीली कर देते थे। हाँ, तो 4 दिनों तक यह युद्ध चलता ही रहा। जब जरासंध परास्त नहीं हुआ तो अंत में आकर के सज्जनों भीम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। कहीं प्रभु यह युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है, पता नहीं अब आहार पर्वत है क्या है, कितनों का नाम मारता हूँ, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, अरे भीमसेन तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रहे थे। बोले हाँ प्रभु, आप तो जबरदस्ती युद्ध करवा रहे हो ना। भगवान ने कहा कि भीमसेन तुम्हारे अंदर में अभिमान था, मैं 10,000 हाथियों की ताकत वाला हूँ, इसीलिए आज तेरा अभिमान तोड़ने के लिए मैंने भीम के साथ जरासंध के साथ युद्ध करवाया। लेकिन चलो
अब तेरा अभिमान खत्म हो चुका है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, अब युक्ति बताता हूं कि जरासंध का वध कैसे होगा। तो देखिए आज भगवान श्री कृष्ण साथ में चलते हैं और युद्ध करते करते जब भगवान ने देखा कि जरासंध तो हार ही नहीं रहा है, आज तो लगता है कि भीम को जरासंध मार ही देगा, तब भगवान ने सोचा एक तिनका लिया